पैसा एक मिनट डॉक्टर साहब के मोबाइल छोड़ो मैं जखनिया तहसील में आज SDM अभय कुमार मिश्रा से बात किया हूँ। यहाँ जो पौधे लगे हुए हैं परिसर में एक बार दिखाइए, पौधे सूख रहे हैं। तो SDM ने कुतर्क करते हुए कहा है कि नहीं नहीं हम सारे पौधों में पानी डलवाते हैं, पर्यावरण की हमको बड़ी चिंता है, पौधों को आप देख रहे हैं उधर भी सूख गए इधर भी सूख गए हैं, और इस हैंडपम्प का भी अलग सूख गया है। हैंडपम्प तहसील में जो भी पानी पीने के लिए आएंगे, यहाँ पानी पूरी तौर पर जहरीला है, मटमैला है और पानी आ भी नहीं रहा है। SDM कामचोर SDM, देखिए यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है और इसी में SDM कामचोर, तहसीलदार कामचोर, नायब तहसीलदार कामचोर, बस ड्यूटी बजाना है और लोगों को परेशान करना है। आज भी हड़ताल है और हड़ताल में शायद ही कोई यह मुकदमा देखे, वकील साहब लोग भी बने हुए हैं, भगवान ही मालिक इन लोगों के। और यह चलिए एक बार हम वृक्षों को दिखा देते हैं। पानी, यह पानी जो है इसे आप देख सकते हैं जो पानी आ रहा है, ये आदमी कैसे पिएगा और कैसे। चलिए अब वृक्षों में कुछ डाल रहे हैं, हमारे मित्र लोग ले चल रहे हैं और दिखाता हूँ। लोक सेवक इस तरह से लापरवाह होगा, बेपरवाह होगा, कुतर्क करेगा। यह उप जिलाधिकारी और डिप्टी कलेक्टर कहे जाते हैं। जखरिया तहसील है हमारी, गृह तहसील है, वन विभाग ने यह वृक्ष लगा दिया है, लेकिन पानी कौन देगा। तहसील परिसर में समरसेबल लगा है, जेट पंप लगा है, जो भी है, यह सब देखिए सूख गए हैं। और कुतर्क करते हुए SDM साहब का कह रहा है, तो आए हैं जनाब, आए हैं 9:45 बजे, जबकि समय है इनके पहुंचने का 9 बजे। देखिए यह किस तरह से इनकी पत्तियां झुलस गई हैं, इसका आप देख सकते हैं। और पानी कहाँ से लाया जाए, पानी भी नहीं है, कहीं पानी नहीं है। और देखिए यही सब जहरीला पानी, मटमैला पानी दिया जा रहा है, तो कितना लापरवाह। और इस तरह से हमने कहा है कि ठीक है भैया, हम ही लोग कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, तहसील हमारी है, तहसील तो जनता की है और तहसील की मालिक भी जनता है। चलिए आज हमने इतना किया है, शायद जिम्मेदार पर्सन है, इनको शर्म आए। और देखिए अगर थोड़े भी जागरूक होते, इधर दिखा देते हैं कहाँ पानी पड़ा है। अब चलते हैं, इसमें भी हम बात करते हैं जहाँ तहसील के रजिस्ट्रार बैठते हैं, देखिए कहाँ पानी पड़ा है, किस तरह का यह है। चलिए मैं फ़ोन भी करता हूँ, उनको फ़ोन करके एक बार बताता हूँ। ये है SDM जखनिया 94-54-41 70-89। हाँ SDM साहब। हाँ भाई साहब, ब्रजभूषण दुबे बोल रहा था। देखिए हमने आपसे कहा है कि वृक्षों में कहीं पानी नहीं दिया गया भाई साहब, कहीं पानी किसी वृक्ष में नहीं दिया गया है। आप दावा करते थे कि हम दिलवा रहे हैं, आइए दिखा दें, हम परिसर में ही हैं, पानी हम लोग कहीं कोई पानी नहीं भाई साहब। हैंडपम्प भी आपका जवाब दे गया है और जहरीला पानी, पूरा काला काला पानी निकल रहा है, वो भी नहीं आ रहा है।
अरे पानी आप हैंडपम्प ठीक कराएंगे और कहाँ से ले आएंगे? आप और लोगों का क्या कराएंगे? तहसील दिवस में कौन सी सुनवाई करेंगे यदि तहसील परिसर का हैंडपम्प आप ठीक नहीं करा सकते? अरे भैया आइए देखिए एसडीएम साहब, एक वृक्ष में अगर पानी दिया गया होगा तो जो कहिएगा सर मुड़वा के चले जाएंगे। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? आप बता भी नहीं पाएंगे, बताएंगे क्या? आइए ना परिसर में हूँ, एक वृक्ष में आप दिखा दीजिए जिसमें पानी पड़ा हो। मैं तो पानी डलवा रहा हूँ, आप पाइप चलवाइए वहाँ से, सबमर्सिबल चलवाइए और आइए देख लीजिए और झूठ मत बोलिए आइंदा से। आप जैसा लोक सेवक अगर झूठ बोलेगा तो तहसील का क्या होगा? पानी चलवाइए, हम बाल्टी लेके हम लोग भरवा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं सहयोगी, पानी चलवाइए। देखिए यह है एसडीएम अभय कुमार मिश्रा, झूठ पर आधारित। देखिए कितना झूठ बोला आदमी, अभी भी कह रहे हैं कि आइए आइए और देख लीजिए, भाग रहे हैं। हैंडपम्प जहरीला पानी आप देख रहे हैं, हैंडपम्प जहरीला पानी। अरे भैया कुछ तो करिए, कुछ तो मानवीय पक्ष हो, पर्यावरण संरक्षण का भाव हो, कितना झूठ बोलोगे? और लोग सो रहे हैं इसलिए जैसे चाहो पट्टी पढ़ाते जाओ, पट्टी पढ़ाते जाओ। हैंडपाइप बगल में है, वो आज तक कभी पानी नहीं दिया, देख लीजिए। चलिए आप चलते हैं, देखते हैं कि यह गैर जिम्मेदार एसडीएम किस प्रकार इन वृक्षों को मरने से बचाता है। एक बार इधर देख लीजिए, अब पानी भी हम लोग कहाँ से लाएंगे? कह रहा है हम पानी कहाँ से ले आए? अरे हैंडपम्पवा तो ठीक कराओ, किस बात पर तहसील दिवस में लोग हैंडपम्प की खराबी की शिकायत करेंगे? कैसे ठीक कराओगे यदि अपने परिसर का ठीक नहीं करा सकते हो? देखिए लाइन से सब पौधे सूख गए हैं। चलता हूँ दोस्तों, एक बार फिर पानी चलवाता हूँ तहसील से और देखता हूँ इनकी स्थिति। चलो Thank you.
ठीक है बात करो टोका टाटी करने का असर होता है। पाइप आ गया, अब तक पाइप नहीं था, अब पाइप आ गया और इनके कर्मचारी अभी देख रहे थे साहब बरामदे में से निकल करके, अब इनके कर्मचारी पता नहीं खरीद के पाइप लाए हैं कहाँ से लाए हैं, पाइप पैदा हो गया, अब यह पाइप जा रहा है तमाम पौधों के यहाँ जहाँ एक बूंद पानी अभी तक नहीं पड़ा था, अब इनकी सिंचाई हो रही है। यह है इनकी स्थिति, अभी लाट साहब गए हैं निकल करके। अगर तनिक भी यह लोग जागरूक होते, मैं तो अपना दोष देता हूँ कि दोषी तो हम लोग हैं, अगर ठीक रहते तो यह सब पौधे नहीं सूखते। यही हाल विकास खंड स्तर पर है, थाने पर तो नहीं कह सकता, पानी चौकीदार से डलवाते हैं लोग, लेकिन यही स्थिति। अब देखिए पानी इधर आ रहा है, अब इसमें पानी पड़ेगा और फिर बारी बारी आगे ले जाइए। देखिए दीवांशु पांडे हैं, सत्येंद्र बिंद हैं हमारे सहयोगी, आशीष हैं, सतीश हैं, रुदल बिंद हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, और सलाम साहब। देखिए इसीलिए मैं एक बात बोलता हूँ हमेशा, टोका टाकी और हस्तक्षेप होते रहना चाहिए। आज इनका ज्ञान चक्षु खुल गया है और मालिक हम लोग हैं, मालिक न एसडीएम है, न तहसीलदार है, न नायब तहसीलदार है, न एडीएम और डीएम है, न कमिश्नर और सीएम है, पीएम भी मालिक नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी मालिक आम जनता है। चलिए वृक्षदेव, खुशी है कि आज आप लोगों को पानी मिल रहा है और हमारी यह साधना, हमारे मित्रों का जो यह अल्प प्रयास था, आज यह फलीभूत होते हुए देख रहा है, दिख रहा है। हम लोग एक दर्जन के लगभग हैं हम लोग, और एक छोटा सा प्रयास किए हैं। जिद तब हुई है जब एसडीएम ने झूठ बोला है कि अरे पानी रोज दिया जाता है, हमको उसकी चिंता है, हम पर्यावरण के, तो झूठ भैया क्यों बोल रहे हो, एक लाइन में स्वीकार कर लो कि नहीं चूक हुई है, बात खत्म हो जाती। वैसे भी हम लोगों को आज यह करना था। धन्यवाद दोस्तों। आज क्या तारीख है भैया? आज 17 जून 2019 को हम हैं जखनिया तहसील में, हमारा गृह, हमारी गृह तहसील है, और यहाँ पर्यावरण का पोषण करते हुए अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन करते हुए। धन्यवाद।